दाढ़ी बनाना है, बालों को थोड़ा सेटिंग करना है। मैंने लिया है जॉब से छुट्टी और मैंने करने आज बहुत ज़रूरी काम जो कि रेलेवेंट टू माई यूनिवर्सिटी। सो लेट्स गो। उबर आएगा और मैं यहाँ से अभी जाना यूनिवर्सिटी और वहाँ से शुजा से मिलूँगा, वो वेट कर रहा है मेरा। इट्स माई उबर। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, काफ़ी अर्से के बाद यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और बेसिकली डिग्री उठाना है वहाँ से। कन्वोकेशन नहीं है खैर, क्योंकि जब कन्वोकेशन हो रही थी उस टाइम पे मैं एक प्रोजेक्ट पे गिलगित और चित्राल में था, तो अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं जाके अपना डिग्री उठाऊँ। Too much excited to meet my friends, क्योंकि 4 साल गुजारे कोई कम अर्सा नहीं होता और एक चैन बन जाती है, तो आज जाते हैं पुरानी यादें ताज़ा करते हैं अपनी। नमल के स्टूडेंट्स जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि इनकी क्लासेस का टाइम हो गया। ये हम मेन गेट के सामने आ गए, लेकिन मेरे पास यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं है, तो हम आगे जो के एडमिन गेट है वहाँ से जाएंगे। ये मेन गेट है यहाँ से जो के एंट्री होती है स्टूडेंट्स की। मैं इन हो गया, मुझे ये यूनिवर्सिटी है। देखा दोस्त बहुत सारे आ जाते हैं, मुर्तजा भी आ गया। कैसे हैं? कैसे हो? ठीक ठाक। लोग आ ही जाते हैं। अच्छा, आज जो के यूनिवर्सिटी में आखिरकार हम लैंड कर गए काफी अरसे बाद, और शुजा मुर्तजा ब्लॉग चल रहा है मेरा। अच्छा, तो ये यार एक बात बताओ, ये नमल की जान कब छोड़ोगे तुम, ये बताओ आखिर ये बस। यार तुझे देख के नहीं लगता कि तूने 16 साल पूरा तालीम हासिल की? दरमियान में कुछ वो भी थी। इसकी कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी तक पहुँचा। ये हमारा कन्फ्यूशियस। आशीर्वाद दीजिए। शुजा, मेरा रिपोर्टेशन कैसा था यूनिवर्सिटी के अंदर? सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, सबसे लायक स्टूडेंट था, और उससे आगे बोलूंगा तो फिर ये डालेगा नहीं इसमें। नहीं नहीं, बोल जो भी बोलना है, तो ये चांस है। अच्छा स्टूडेंट था माशाल्लाह। जनाब ये आ गया बंदा ग्रेजुएट। Got my degree. Wow. Wasn't possible without my teacher and my parents, and especially जो मेरा भाई है ताज मोहम्मद बाजान। It wasn't possible without your support. And you know, मेहनत इंसान के हाथ में होता है, बाकी टीचर्स ये कि अपने एफर्ट पुट करते हैं, और बाकी मेहनत जो है वो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? माया यहाँ पे काफी जूनियर है। मैं तो अभी मेरा रिसेंटली मतलब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, रिपीट। इतने बुरे फर्स्ट सेमेस्टर ओनली रिपीट। सीरियसली मेरी बात सुनो, रिपीटर इसलिए क्योंकि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी। एक्चुअली वो इसलिए कि टीचर ने पढ़ना ज्यादा होता है ना यार, प्रेजेंटेशन होती थी, तो प्रेजेंटेशन में मैं तो 3 दिन ले गई, जिस वजह से नहीं। उन लोगों ने बहुत बेइंसाफी की था। देखिए मेरे व्लॉग्स वो टीचर सुन सकते हैं। अच्छा बात सुनिए, जो है ना, चलो ठीक है सुन ले,
कोई बात नहीं है। हासिल जो है ना, अब आपके सीनियर है, सबका सीनियर, मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के, हासिल बीइंग ए सीनियर, आप अपने जूनियर को क्या सजेशन दोगे कि नमल में चार साल किस तरह गुजारना है, किस तरह पढ़ना है, क्या एक्सपीरियंस जो है इस पर शेयर कर? जो सबसे मेन चीज है ना, बना के रखना है, बना के रखना है टीचर्स के साथ। वो फेक चपलूसियां नहीं होती है जो लोग करते हैं। किसके टांगे ये? इसकी है। ये मनाजिर नमल के आखिरी दफा ډیر مننه تاسو او زمونږ دغه چینل و تاسو سبسکرایب کوو په یوټیوب باندې او دا د اخر ټایم دی نو الله حافظ بای بای ټیک کیئر آج کا جو ہمارا جرنی ہے وہ یہاں پہ اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں ختم مزید کرتے ہیں اور جب ایم فل میں میں نے ڈگری لینا ہو نا ایم فل والا تب یہ پھر علیحدہ پھر وہاں سے ہوگا ڈگری والا سین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اینڈ سٹے ٹیونڈ We'll have lots more videos gate 1 and... ki taraf jana hai aur inko gate 1 ki taraf jana hai maine seedha jana hai apne destination ki taraf listen shuja acha laga aapse milke bahut shukriya inshallah meet you next vlog aate rahe hamare ghar mein kyunki ye hamara ghar hai yahan pe rehte hain khate hain peete hain aur meri taraf se bhi acche khase yahan pe jo marzi aap enjoy kar sakte hain kare to sahi hai milte hain allah hafiz allah hafiz